हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू आर वेरी वेल एट योर प्लेस. नाउ टुडे वी आर डिस्कस आवर न्यू टॉपिक, द एज ऑफ रेवोल्यूशन. आज हम एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा पीरियड चला था 832-848 के. जो ये टाइम पीरियड है इसका 830-848 के बीच का, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि रेवोल्यूशन हुआ क्यों था, क्या रीज़न क्या था रेवोल्यूशन होने का. मेन कारण था लिबरिज्म एंड नेशनलिज्म. लिबरिज्म का क्या मतलब हो गया? लिबर्टी, इक्वलिटी, आज़ादी चाहिए हमारे को, सब कुछ हमारे बराबर होना चाहिए. यूरोप में ये आइडिया जो है काफ़ी पॉपुलर हो चुका था. नेक्स्ट था नेशनलिज्म. सेकंड आइडिया जो नेशनलिज्म का था कि कौन सा पॉपुलर हुआ था, वो था ये कि नेशनलिज्म क्या है, अपने देश के प्रति प्यार, अपने कल्चर के प्रति प्यार. वही आइडिया जो है घुमा फिरा के फिर से चलता रहा. इसके अंदर सारा कुछ लिख भी रखा है बेटा, किस तरीके से स्टार्टिंग के अंदर ये लिबरलिज्म और ये. ठीक है बच्चे, रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा. नेक्स्ट है कि द टू आइडियाज ये थे कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, दोनों यूरोप के अलग अलग पार्ट में, जैसे कि इटालियन, जर्मन स्टेट्स, आइसलैंड एंड पोलैंड में, हर जगह पॉपुलर हो गया था ये आइडिया कि सारी जगह यही चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे, है ना. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि ये जो रेवोल्यूशन हो रहा था, और इसे क्या है, लीड कौन कर रहा था, मतलब इनको आगे कौन चला रहा था, वो थे मिडिल क्लास के लोग. कौन चला रहे थे? मिडिल क्लास के लोग थे. और उनमें से कौन से, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, इंडस्ट्रियल, जो कि कॉमन मिडिल क्लास लोग हैं, जो इस रेवोल्यूशन को आगे लेकर जा रहे थे. और ये वो कारण थे 1830 से 1840 के बीच में रेवोल्यूशन होने के, इनके रेवोल्यूशन होने का कारण ये था 1830 के अंदर. आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाता है आपका 1830 के अंदर, 1830 के अंदर. ये देखिए क्या होता है कि फ्रांस जो है ना, वो क्या कर जाता है, 1830 के अंदर फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ था, जो कि एक था जुलाई रेवोल्यूशन, दूसरा था ग्रीक रेवोल्यूशन. एक जुलाई रेवोल्यूशन और दूसरा था ग्रीक, जो हम पढ़ रहे हैं वो फ्रांस के अंदर अभी, जुलाई रेवोल्यूशन और दूसरा ग्रीक रेवोल्यूशन. जुलाई रेवोल्यूशन के अंदर क्या थे, दो मेन पॉइंट्स थे. कौन सा? एक तो 1830 के अंदर ब्रूनो किंग्स वर ओवरथ्रो, यानी कि मैं इसको क्या कर दिया गया था, वहाँ से उठा करके फेंक दिया गया था. अब इसको उठा करके फ्रांस से दूर फेंक दिया गया था. ये देखिए बेटा, इसमें लिखा हुआ यहाँ पे. तो इसका क्या था, इसने क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेप किया था इसने. मतलब राजा महाराजा का कोई शासन नहीं था, अब सारा कुछ जो था ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ही उसको चलना पड़ता था. लुइस फिलोसफी ने को इसका हेड बना दिया गया था. और जो सेकंड था ना, वो था इसके अंदर पॉइंट हमारा, जो कि ग्रीक रेवोल्यूशन वाला. लेकिन फर्स्ट थोड़ा सा और मैं डीप में करने की कोशिश करती हूँ. जुलाई का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ब्रुसेल में, इसका नाम ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ ना, ब्रूबोन किंग्स थे. अच्छा, इसका क्या है, इसने ये हुआ कहाँ पे था, ये हुआ था हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंदर. ये वहाँ पे हुआ था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंदर. और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो था ना, उसकी कैपिटल थी बेल्जियम. बेल्जियम के अंदर ये क्या है कि स्टार्ट, ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, जो कि पूरी तरह से वहाँ पर फैल चुका था. ठीक है, और उसके बाद क्या है कि यहाँ जो नीदरलैंड के लोग अंदर जो लोग रह चाहते थे कि फ्रीडम मिले, हमें आज़ादी मिले, और यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हो भी गए थे. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आज़ादी मिल भी गई थी इनको. नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीक रेवोल्यूशन, इसी के अंदर आ रहा है अगले के अंदर, ये रहा ग्रीक रेवोल्यूशन. इसमें आइडिया काफ़ी फैला हुआ, जो सेम वही आइडिया था, लिबर्टी, इक्वलिटी, नेशनलिज्म वगैरह वगैरह. ठीक है, ग्रीक उस टाइम का ओटोमन एम्परर के अंडर था. ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ओटोमन एम्परर, ग्रीक जो था वो ओटोमन एम्परर के अंडर था. ठीक है जी, और इनको भी आज़ादी चाहिए थी. ग्रीक में भी अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया 1821 से, उन्होंने अपना स्ट्रगल करना शुरू कर दिया. बिगन, देखो, बिगन इन 1821 से अपना स्ट्रगल शुरू कर दिया. और वो भी आज़ाद होना चाहते थे, लोग अकेले आज़ादी नहीं पा सकते थे, इसलिए उनको किसने हेल्प किया, वेस्टर्न यूरोप ने. इनको किसने हेल्प किया था, ग्रीक वाले लोगों को, वेस्टर्न यूरोप ने इनको हेल्प किया, इन लोगों के साथ मिल करके, एक मिलजुल करके सहयोग के थ्रू 1832 में क्या हो गया था, 1832 के अंदर ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हो गया था, साइन हो गया था, और ग्रीक को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया था इस टाइम तक. ठीक है जी,
अब आते हैं थर्ड टॉपिक हमारा। थर्ड क्या कहता है कि रोमांटिकिज्म, थोड़ा रोमांटिकिज्म का क्या है मतलब, वह कहता है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। और दूसरा क्या है हमारे, दूसरा भी आगे आएगा तीन इसमें से। तो फर्स्ट में क्या है हम पढ़ते हैं इसके, रोमांटिक एंड नेशनलिज्म फीलिंग। रोमांटिक मतलब एक कल्चरल मूवमेंट को डेवलप करना, ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए नेशनलिज्म सेटलमेंट, ताकि लोगों के बीच में कल्चर को लेकर के प्यार बना रहे। तो एक नाम जर्मन फिलोसफर का भी आता है, जो जोहन गोटीफ्रेड हेडर था। और जो क्या करता था, वो फोक चीज़ें मतलब गाने सॉन्ग ये इस तरह की चीज़ों को वो यूज़ करता था। ये देखिए यहाँ पे ये सारा का सारा दिखाया गया है, वो इस तरह की फोक डांस वगैरह जो को फोक सॉन्ग ये बोलता था, पोएम बोलता था, बहुत अच्छी पोइट्री लिखता था वो इस पे, ताकि लोगों को वो क्या कर सके, इससे जागरूक कर सके। ठीक है जी। इस फिर एंड ऑफ एटीन, ये देखो एंड ऑफ एटीन सेंचुरी के एंड में क्या हो गया था, ग्रीक ग्रेट पावर रशिया, पुरशिया, ऑस्ट्रिया, इनमें से पोलैंड को अलग कर दिया गया और पोलैंड पर राज आया रशिया का। रशिया ने क्या किया, पोलैंड की लैंग्वेज को, लैंग्वेज थी उनकी पोलिश, उसको चेंज कर करके अपनी लैंग्वेज शुरू कर दी स्कूलों में, कॉलेज में, ऑफिस में, इत्यादि सारी जगह। जो लोग फिर रशिया के अगेंस्ट हो गए और लड़ाई शुरू हो गई, इस वजह से क्या हो गए, लोग क्या हो गए रशिया के अगेंस्ट हो गए, और वहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया हमारा। ठीक है जी। वो रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, 1831 के अंदर रेवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इन चीज़ों के बारे में बोलेंगे, 1831 के अंदर क्या हुआ कि पोलैंड रशिया के विरुद्ध हो गया, परंतु रशिया द्वारा पावरफुल ज़्यादा होने के, रशिया के पावरफुल ज़्यादा होने के कारण पोलैंड को क्या कर लिया गया, दबा दिया गया। अगर इसमें कोई भी पोलैंड का साथ देता, उसको क्या कर दिया जाए, जैसे कि पुजारी, पादरी, कोई हमदर्दी जताते उनको लेकर के चर्च वगैरह के अंदर से, तो वहाँ पे क्या किया जाता था, उन लोगों को या तो जेल में डाल दिया जाता था, या फिर उनको क्या है, एक मतलब बहुत ठंडे स्थान पर, जो कि पूरी तरह से क्या होता, बर्फीली जगह होती थी, उसमें उनको डाल दिया जाता था, ताकि वो बर्फ़ की वजह से मर जाए। जो यहाँ पे दे भी रखा है साइबेरियन, ठीक है, वहाँ डाल दिया जाता था, ताकि कोई भी उनके साथ देने की हिम्मत ना कर सके। इस तरीके से चलते चलते क्या आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट था हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। वो कहते हैं कब शुरू हुआ, 1830 में यूरोप का सबसे खराब इकोनॉमी टाइम था। यहाँ पे ये देखो लिख रखा है 1830 में यूरोप का सबसे, जितना कह सकते हैं ना, उतना खराब टाइम था 18th सेंचुरी के मिड में। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि रूरल एरिया के लोग क्या करने लगे, सिटी में आने लगे, ताकि वहाँ पर जॉब करके, काम करके वो अपनी दिनचर्या को चला सके। ऐसे करते हुए 1848 के अंदर, आते आते क्या गया, फूड शॉर्टेज हो गया, कि खाना कम पड़ गया और पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। अब क्या हुआ था कि पेरिस अब रोड पर आ गया था पूरी तरह से, और लुइस फिलोसफर ने इसने क्या किया, को वहाँ से भगा दिया गया था, ताकि कुछ चेंज लाया जा सके। राइट टू वोट जो कि 21 ईयर्स, यानी कि चेंजेस कर दिए, करने शुरू कर दिए, राइट टू 21, यानी कि जो राइट टू वोट, ताकि लोगों से वोट दिलवाए जा सके। 21 ईयर्स से ऊपर के जितने भी लोग थे, सबको अधिकार दिया कि वो वोट डालें, अपना वोट दें। और जैसे कि वर्कर हो गए, एम्प्लॉयमेंट है, सभी को वोटिंग करवा दी गई। और इस तरीके से क्या हुआ कि 1845 में वीवर्स ने स्टार्ट कर दिया रेवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ अपने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कर दिया था, उनके पैसों के रेट बिल्कुल ही कम कर दिए थे, उन्हें मजदूरी मिलती ही नहीं थी। इस वजह से क्या होता है कि 4 जून 1845 में लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स ने जा करके अपनी डिमांड रखी हायर वीवर के सामने, कि हमारे साथ हमारी ये डिमांडें हैं और ये हमारी पूरी होनी चाहिए। लेकिन 1848 को रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल बना दिया गया। इसको क्या बना दिया, क्या घोषित कर दिया गया 18 के अंदर, रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल। इसके बाद क्या हुआ था, ये रेवोल्यूशन करने वाले कौन से लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, और इन लोगों का डिमांड था कि हमें
इन सब लोगों का डिमांड था कि हमारी इच्छाएं पूरी की जाए, हमारी डिमांड पूरी की जाए, नेशन स्टेट बना दिया जाए जिसमें कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन सब कुछ इक्वल हो, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। तो इस तरह करते करते एक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल होना चाहिए, मतलब कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। इस तरह की उन्होंने कुछ एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हमारे को इस टाइप का कुछ ना कुछ अलग चाहिए, डिफरेंट चाहिए। ये देखो इसके अंदर सारा लिख रखा है बेटा, पढ़ोगे ना सारा ध्यान आ जाएगा आप लोगों को। तो इनमें मिडिल क्लास लोग थे और इन्होंने डिसाइड किया कि इस बार हम वोट देंगे तो सिर्फ उन लोगों, उस व्यक्ति को वोट देंगे जो हमारी ये मांगे पूरी करेगा। ओल्ड जर्मन नेशनल पार्टी को उन्होंने वोट डाल दिए, ओल्ड जर्मन नेशनल पार्टी को उन्होंने क्या कर दिया, वोटिंग कर दी। और 18 मई 1848 को क्या हुआ कि 831 मेंबर्स जो थे वहां पर क्या हो गए, आगे, यानी कि 1831 मेंबर्स जो थे ना वहां पर, उनको डिक्लेयर हो गए, डिसाइड हो गए कि ये इनको है। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया और इसलिए पार्लियामेंट की डोमिनेट हो गया वहां पर, पे क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन किया गया और पार्लियामेंट क्या हो गया, डोमिनेट हो गया। और क्या हुआ कि मिडिल क्लास से, परंतु जिन लोगों ने उन्हें बनाने में, जीतने में हेल्प की, वो क्या कर गया, उनको कुछ समझने ही नहीं लग गया, उनके खिलाफ हो गया, उनसे मतलब बात ही नहीं करता, ना उनकी डिमांड पूरी की। इस पे भी क्या हो गया, लोग पूरी तरह से उसके अगेंस्ट हो गए, खिलाफ हो गए, और उसको क्या करने लग गए कि इलेक्टेड असेंबली को भी अब कुछ ना कुछ करना चाहिए हमारे को। और अब वो लोग क्या हो गए, द इशू ऑफ एक्सटेंडेड पॉलिटिकल राइट्स वुमन वाज ए कॉन्ट्रीवर्सल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवेटेड ओवर द ईयर्स। उस साल सबसे ज़्यादा औरतों ने उसमें भाग लिया और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, पोलिटिकल राइट्स के खिलाफ। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओवन पोलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़ पेपर एंड टेकन पार्ट इन द पोलिटिकल मीटिंग एंड डिमोन्स्ट्रेशन। इस तरीके से क्या हो गया, वहाँ के लोगों के अगेंस्ट वहाँ पे क्या हो गया, औरतों ने क्या कर दिया, मोर्चा खोल दिया और कहा कि हमारे राइट्स को माना जाए, हमारी बातों को माना जाए, हमारी इस तरह की कंडीशन को पूरा किया जाए। इस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर चलनी शुरू हो गई। नेक्स्ट आगे क्या होता है कि असेंबली अब सफ़र करने लग गई, राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली सफरेज व्हेन द फ्रैंकफोन पार्लियामेंट कवर्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल वुमन वर एडमिटेड ओनली एन ऑब्जर्व टू स्टैंड इन ऑल विजिटर गैलरी। सारी की सारी औरतें क्या थी, ये सेंट पॉल थे, उनके सामने अपनी बातों को रखकर एडमिट कर दिया कि हमारे को ये चीज़ें चाहिए। इस तरीके से 1848 के अंदर आते आते ये सारी की सारी बातों को रिस्टोर किया गया, दोबारा से उनको जगाया गया और लाया गया। और लास्ट में क्या हुआ, ये रहा 1848 के अंदर एटॉमिक मोनार्चीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। जो 1815 के अंदर जो स्थिति थी, वो सारी की सारी स्थिति अब एट प्रेजेंट में आ चुकी थी यूरोप के सामने। और उन्होंने क्या कर दिया, थस सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबरर वर अबोलिश्ड बोथ इन द हेजबर्ग डोमिनेंस एंड रशिया। द हार्बर्ग रूलर ग्रांटेड मोर एटोनमी टू द हेगबर्ट्स इन 1867 में। ये सारी की सारी बातें जो है काफ़ी हद तक उथल पुथल हो गई और उनके अंदर अपनी बातों को मनवाने का एक रास्ता ढूंढ लिया उन्होंने और इस तरीके से अपनी बात को उन्होंने मंगवा लिया। एज ऑफ रेवोल्यूशन का यहाँ पे एंड होता है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटालियन।